हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ब्लैक बेल्ट मल्टीप्लायर ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। एंड ऐसे अगर हम बात करेंगे इस गेम की, तो ये जो गेम है ना हमारा, बेसिकली इसका साइज़ आपको 175 MB देखने को मिलेगा प्ले स्टोर पर। गेम में एडिशनली कुछ भी नहीं लगता है। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है गेम में एडिशनली तो कुछ भी नहीं लगता है। बाकी हाँ, ये जो गेम है ना, इसका एक और वर्ज़न, वो एक और है ब्लैक बेल करके ही है, बट वो वाला जो वर्ज़न है ना, वो एक्चुअली में सिर्फ ऑफलाइन यूज़र्स के लिए बनाया गया है। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोडिंग स्क्रीन से हमारा हट ही नहीं रहा है, वो इसलिए क्योंकि हम ऑफलाइन होकर गेम को प्ले कर रहे हैं। तो मैं एक बार आपको प्रूफ के लिए जो है अपना मोबाइल डेटा ऑन करवा देता हूँ। यहाँ पर ऑन करके जो है एक बार यहाँ पर से बैक जाता हूँ एंड वापस से इस गेम को ओपन करके आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि ये जो हमारा ब्लैक बेल का वो था वो हट रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ईजिली हट चुका है। तो हाँ, ये जो गेम है ना, ये बिना इंटरनेट के वर्क नहीं करने वाला है। अगर आपको बिना इंटरनेट के प्ले करना है तो आप वो ऑफलाइन वाला प्ले कर लेना। बाकी यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो क्या हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर गेम प्ले है, वीडियो में ज़्यादा कुछ तो आपको नहीं देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस स्टेट्स है, कलर ब्लाइंड मोड भी है, यहाँ पर क्या है ये एडिट का है, एडिट में ये सारी चीज़ें हमको एडिट का है। तो जो भी है बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिक्स की सेटिंग है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखनी चाहिए। अगर एक नॉर्मल यूज़र को प्ले करना है ना, तो उसके हिसाब से रखना चाहिए। तो ये चीज़ शायद ये वो कर दे। बाकी ये कलर ब्लाइंड मोड है, एक कलर स्ट्रेंथ मोड है, ये FPS लिमिट काउंटर है, और उसके बाद में ऑटो सेट प्रेजेंट है। तो यहाँ एपिक पर ही रखा है। ये बेसिकली गेम की ग्राफिक्स है। थोड़ा UI मतलब देखो ख़राब नहीं है, पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्विक प्ले है, स्टार्ट मैच है एंड क्या बोलते हैं आप, हाँ शायद इसके अंदर में ना लैन मल्टीप्लेयर का भी फीचर है, क्योंकि ऑनलाइन और लोकली दो ऑप्शन यहाँ पर मेरे को देखने को मिले हैं। नेटवर्क टाइप अगर मैं चेंज करने पर क्लिक करूँ तो हाँ लैन मर क्लिक हो जाता है, बट कोई मतलब नहीं। अगर ये ऑफलाइन गेम का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है तो उसके लिए इंटरनेट तो चाहिए ही सही हमको ऑनलाइन होने के लिए। बाकी अंदर में जाकर अगर आप ऑफलाइन होंगे ना, तो शायद मे भी कुछ ऐसे ना देखने को मिले, बट मतलब है तो नहीं। चलो ऑफलाइन यूज़र्स के लिए तो नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर बोर्ड्स इनेबल करके हम ऑनलाइन वाला चेंज करके ऑनलाइन कर देते हैं। एंड 3v3, 2v2, तो हम 3v3 प्ले करेंगे। थोड़ा सा मतलब मुझे ग्राफिक्स तो अच्छी लगी, पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हम कहेंगे। एंड गेम के अंदर में लैन मल्टीप्लेयर का फीचर है, बट ये चीज़ आपको याद रखनी है कि उसके लिए आपको इंटरनेट तो चाहिए गेम को ओपन करने के लिए। बाकी अंदर में तो आप प्ले कर सकते हैं, पर कोई मतलब नहीं है। जब इंटरनेट ही लगेगा तो क्या मतलब है, कब तक ऑफलाइन यूज़र भी अगर कोई होगा तो वो भी ये इस तरीके से। एंड क्या है यहाँ पर हमको, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। एक मिनट इसको हम किल कर देते हैं। थोड़ा सा इसकी सेंसिटिविटी मेरी बहुत कम है। अब हमारा मैच सर चालू हुआ है और गन चेंज करने का भी है। इसमें FPP का फीचर नहीं है शायद। अच्छा, ये एक सुपर पावर हम कहेंगे है। एंड ये एक जंप करने का भी है। उसके बाद में इधर में तो वो है। बाकी मतलब थोड़ा सा ये जो है ना, अगर आप ऑफलाइन वर्जन को देखेंगे ना, तो वो फर्स्ट पर्सन में है एंड ये वाला थर्ड पर्सन में। तो ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। बट स्टिल यहाँ पर हमारे एनिमीज तो है, बट यहाँ पर जाऊँ मैं कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये समझ गया मैं कहाँ पे है। अरे ये किसने मार दिया मुझे, मुझे पता ही नहीं चला कि किसने मारा। एक वेपन ये भी है, तीन वेपन रख सकते शायद हम हमारे पास में। ओहो, तो चलो ये थोड़ा सा वो है। बाकी हाँ ये है कि बहुत ही पावरफुल है यार, कहाँ से मार दे रहे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने दो बार मार दिया, दोनों बार पता भी नहीं चला मुझे कि किसने मारा है। एंड ये UI ठीक है, बट क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। वीडियो टच में ही होगा शायद, नहीं यहाँ पर नहीं है वीडियो में, नहीं इसमें शायद कस्टम HUD का फीचर तो नहीं दिखने को मिल रहा है हमको। बट चलो कोई नहीं है, गेम ठीक ठाक है। मतलब उतना बेस्ट भी नहीं है, बट उतना वर्स्ट भी नहीं है। मतलब वो करेंगे, थोड़ा सा मुझे प्ले करने में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी जो भी है, आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।